हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड अगर आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया होगा, आप लोग पता होगा फ्रेंड मैंने कल के दिन वीडियो बनाया था LTI 20 बैच को लेकर। तो इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर देखने वाले हैं कि आप लोग अपने रीज़न के हिसाब से कैसे अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। तो भी बताने वाला हूँ कि आप लोग किस रीज़न से बिलोंग करते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फिर तक जरूर देखना कि आप लोग जो है बेसिकली किस रीज़न से बिलोंग करते हो, वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड बिना किसी देरी के करते इस वीडियो को स्टार्ट, और सभी का लिंक अप्लाई करने का आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए पहले देखते कौन कौन से रीज़न से आप लोग बिलोंग करते हो। तो फ्रेंड अगर आप लोग जो है नॉर्थ रीज़न से बिलोंग करते हो, फिर नॉर्थ रीज़न में जो आपका जो आता है फ्रेंड वो है आपका पंजाब। एक सेकेंड रुको फ्रेंड, नेक्स्ट चला गया। ठीक है ठीक है, तो फिर इसमें आपका आता है पंजाब, ओके, हरियाणा, आप लोग अपने हिसाब से रीजन देख लेना फ्रेंड, न्यू दिल्ली, ओके, HP, उत्तराखंड, ओके, UP एंड जम्मू एंड कश्मीर। फिर ये आपका आता है नॉर्थ नॉर्थ रीजन में। ठीक है, साउथ रीजन फिर आपका आता है देखने को तमिलनाडु, ओके, और आपका इसमें फिर आता है कर्नाटका, कर्नाटका, फिर आपका आता है तेलंगाना, फिर आपका आता है AP, आंध्र प्रदेश, ओके। फिर सेंट्रल में आपका आता है MP, मध्य पर एक सेकेंड रुको फ्रेंड, मध्य प्रदेश, फिर आपका आता है इसमें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ओके। उसके बाद फिर आपका आता है इसमें देखने को जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है राजस्थान, ओके, राजस्थान भी इसी में आता है फ्रेंड आपका, ओके। और फिर आपका जो ईस्ट रीजन पड़ता है फ्रेंड वो है आपका वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, ओके, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, और फिर आपका आता है मिजोरम, ओके। वेस्ट में फिर आपका आता है महाराष्ट्र, गुजरात, ओके, गोवा, ओके। तो फिर अगर आप लोग जो है इस सारे अपने रीज़न हिसाब से आप लोग देख लेना आप लोग कौन से रीज़न से बिलोंग करते हो, कि आप लोग जिस रीज़न से बिलोंग करते हो फिर आपको जो है उसी रीज़न में आपको जो है फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। मल्टीपल रीजन्स पर रजिस्टर मत करना फ्रेंड, इन दैट केस क्या हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जिस रीज़न से बिलोंग करते हो आपको उसी रीज़न से अप्लाई करना होगा। तो फिर ये रहा आपका सभी का लिंक, आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देखेंगे तो फिर आपका LTI, ये आपका नॉर्थ रीजन का है, ये आपका सेंट्रल रीजन का है, ये आपका फिर वेस्ट रीजन का है, और ये आपका ईस्ट रीजन का है, और ये आपका साउथ रीजन का है। चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखेंगे फिर सभी में आपका 7 आवर्स रिमेनिंग लेफ्ट है, ओके। तो सिंपल आपको फिर अगर आप मान लो आपने पहले किसी में रजिस्टर कर चुके होंगे तो फिर आप लोग अपने एक बार और रजिस्टर जरूर कर लेना अपने हिसाब से। तो फिर यहाँ पर देखिए आपके सामने आएगा ईमेल आईडी, तो मैं देखता हूँ ट्राई करके अपना ईमेल आईडी को मैं दिखाता हूँ फिर आप लोग कैसे करना होगा, ओके। तो यहाँ पर आपको जो है अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देना है, ओके। और यहाँ पर फिर पासवर्ड देखता हूँ मैं पासवर्ड भी मुझे याद है कि नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग का जो भी पासवर्ड होगा फिर वो पासवर्ड यहाँ पर दे देना है, अपने साइन इन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए फिर मेरा जो यहाँ पर साइन इन हो चुका है, देखिए फिर मेरा नाम शो कर रहा है, ओके। क्या करना, सिंपल आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा, उसके बाद फिर देखिए अपना नाम वगैरह शो करेगा, ओके। मैं नीचे आता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट वगैरह है, कॉन्टैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आपका, जो भी डिटेल्स हो आपको फिर आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर कौन जो इंपॉर्टेंट है, जेंडर इंपॉर्टेंट है, ओके। फुल नेम लिखना है आपको यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपका जो फुल नेम है उसको मेंशन कर देना है, फादर्स नेम इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट नंबर, डिग्री, ब्रांच, कॉलेज, सबको आपको यहाँ पर जो जितने भी आपके रिक्वायरमेंट्स आए हैं यहाँ पर आपको फिर सिंपली आपको जैसे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ कुछ भी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। ऊपर आने से आपको सिंपल अपने आपको जो यहाँ पर रजिस्टर कर लेना आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, डिग्री मैं BTech कर लेता हूँ, ब्रांच कंप्यूटर साइंस, कॉलेज का नेम, ओके, आपका जो हो अपने हिसाब से लेना, सिटी, कॉलेज, कॉलेज स्टेट, ओके, कॉलेज वेन्यू आपको दे देना है, ओके। देखिए मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, पासिंग है 22, सिटीजनशिप इंडियन, आधार कार्ड नंबर आपको डालना है फ्रेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने नंबर का रहते हैं वो याद नहीं है, आई थिंक 12 नंबर का रहता है, ले लिया ना। SSC, HSC, कन्फ्यूज होना फ्रेंड, मैं बस ऐसे ही मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। और एनी बैकलॉग फाइनेंस मिनिस्टर, नो, फुल टाइम ऑन, यस, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सब्जेक्ट आपको फिर जो भी आपको आता है वो लिख देना है, ठीक है। माई टेक्निकल प्रोजेक्ट डिटेल्स आपको डाल देना है, ठीक है, ETC,
जो भी आपका है टेक्निकल, आपको यहाँ पर कुछ भी आपने करा होगा तो डाल देना है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं होटल, ओके। और यहाँ पर एग्री 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 एग्री, मैं सब पर एग्री कर लेता हूँ। सेवन प्रोसीड, 10 डिजिट मोबाइल नंबर इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। प्रोसीड, टेक्निकल सर्टिफिकेशन इफ एनी, नो, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरा आके देखें तो आपका अवेटिंग अप्रूवल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो, फिर यहाँ पर आपको जो देखोगे ना, तो यहाँ पर आपका दिख रहा है योर एक्सेस टू ऑनलाइन टेस्ट परफॉर्म विल बी अप्रूव्ड डे बिफोर द एग्जाम, ओके। पहले आपका होने वाला एमसीक्यू राउंड, फिर आपका कोडिंग राउंड होने वाला, ठीक है। जो देखेंगे फिर आपका इन सिन 7 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आप लोग जो है, आपको फिर एक मेल भी आ जाएगा, 1 सेकेंड। तो फिर देखिए, तो फिर आपके सेमेस्टर का मेल भी आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर द एलटीआई टेक हंट बैच इन नॉर्थ में, मैंने नॉर्थ में अप्लाई कराया, ठीक है। मैंने डमी अप्लाई कराया, देखिए फिर ये मुझे जस्ट अभी मुझे मेल आया है, ठीक है। सक्सेसफुली यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर द एल टी आई, यू विल योर एप्लीकेशन विल बी अपडेटेड विद इन 3 वर्किंग डे और बिफोर द रजिस्ट्रेशन इन। यू हैव एनी क्वेश्चन, आप लोग जो है, आप लोग कुछ भी क्वेश्चन तो फिर आप लोग इस चीज़ को लेकर मेल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो फिर इस तरह से आप लोग जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो, नॉर्थ से हो, साउथ से हो, वेस्ट से हो, ईस्ट से हो, जिससे भी हो, आप लोग अपने हिसाब से फिर यहाँ पर कर देना। आपको यहाँ पर सारे सारे राउंड डिटेल्स वगैरह लिखे हुए हैं, सभी का लिंक मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई जरूर करें। फिर तो यहाँ से आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेकआउट कर सकते हो, कौन कौन एलिजिबल है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।